वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिएगा। असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपने असफलता नहीं देखी है, आपने हार नहीं देखी है, तो ये मान के चलना आप सफलता का मजा नहीं ले पाओगे। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल होने से पहले न जाने कितनी बार असफल हुए हैं, न जाने कितनी बार उन्होंने प्रयास किया उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम हर काम में सफल हों, लेकिन अगर आप उस सफलता को पाने से पहले अगर प्रयास करना छोड़ दो तो फिर आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। हेनरी फोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, एक बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक। हेनरी फोर्ड जो हैं वो फोर्ड कंपनी से पहले 5 अलग अलग बड़े बिजनेसों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनको, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उस असफलता को अपने दिल दिमाग में नहीं बैठने दिया, उन्होंने फिर प्रयास किया। आप सोच के देखिए, अगर 5 बड़े बिजनेस के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति होता, वो टूट जाता, निराश हो जाता, असफलता को ही वो अपने दिल दिमाग में बैठा लेता, वो सोच लेता कि नहीं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन हेनरी फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। 5 बार बड़े बड़े बिजनेस के अंदर उसको नुकसान होने के बाद में, फेल होने के बावजूद भी, असफल होने के बावजूद भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा, और आज आप देखिए हेनरी फोर्ड दुनिया की सबसे बिलियन कंपनी के मालिक है। दोस्तों, अगर विफलता की बात करें तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा, 1000 बार असफल प्रयास किए उसके बाद में वो सफल हुए। उन्होंने आविष्कार किया था लाइट बल्ब का। अगर वो उन असफल प्रयासों से घबरा जाते, अपने दिल दिमाग के अंदर बैठा लेते, तो क्या ये दुनिया इतनी रोशन हो पाती, क्या ये दुनिया चमक पाती, लाइट बल्ब देख पाती? नहीं दोस्तों, उन्होंने उन 1000 प्रयोगों को, उन असफलताओं को उन्होंने पॉजिटिव में लिया। उन्होंने ये बता दिया कि 1000 तरीके ये हैं जिनसे मैं लाइट बल्ब नहीं बना पाता। एक ऐसा शख्स जो 4 साल तक बोल नहीं पाता था, 7 साल की उम्र तक वो अनपढ़ था, उसको लोग दिमागी तौर पर कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी, अपने सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, असफलता सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, असफलता सफलता का मार्ग बनाती है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। आप सभी लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी परिस्थितियों को कोसते हो। जरा सोचिए, अगर एडिशन खुद को ये सोच लेता कि यार ये मेरा भाग्य है, मैं इसमें सफल नहीं हो सकता, मैं गलत परिस्थितियों में फंसा हूँ, मैं इसको सफल नहीं कर सकता, तो क्या होता? आज लाइट बल्ब का आविष्कार नहीं हो पाता। आइंस्टाइन अगर अपने आप को कमज़ोर ही मानते रहता तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हो पाता, बहुत बड़े आविष्कार हमारे सामने नहीं आ पाते, उन आविष्कारों से हम अनजान रह जाते। असफल होने का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो चुके हो, आप कभी उसमें जीत नहीं सकते। दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना कि जितनी बार आप असफल होगे, आपको उतना ही पता चलेगा कि हाँ, ये तरीका है, इस तरीके की वजह से मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। एक सफलता पाने के पीछे आप जितनी बार असफल होते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती हैं कि इन इन तरीकों पे अगर हम चलते हैं तो हमें असफलता मिलती है। जब बहुत सारे तरीके पता चल गए हैं असफल होने के लिए, तो सफल होने का तरीका भी आपके पास में आ जाएगा। इसलिए अपनी परिस्थिति, अपने भाग्यों को दोष देना बंद करिए। अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं तो ये अंत नहीं है, कोशिश करिए। जीतने वाले वही होते हैं जो कोशिश करते हैं। दोस्तों, असफलता एक शुरुआत है, इसे घबराए नहीं, हिम्मत के साथ डटे रहे। आप जब बार बार प्रयास करोगे, बार बार आप असफल होते हैं, तो कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ उसके लिए अपने प्रयासों में परिवर्तन करके कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन डटे रहना है, अड़े रहना है। आपकी असफलता आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको आया है पसंद, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।